हे गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। गाइज, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर स्कूटर के बारे में, जिसको आप कमर्शियल यूज के साथ साथ अपने पर्सनल यूज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ गाइज, इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को कुछ इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि इसको आप दोनों तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे बच्चों को स्कूल छोड़ना, मार्केट लेकर जाना। और गाइज, इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में अच्छा खासा बूट स्पेस भी दिया गया है, तो आप इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को छोटा मोटा सामान कैरी करने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इसमें बैटरी कैपेसिटी क्या देखने को मिलेगा, मोटर पावर क्या दिया गया और फीचर क्या क्या देखने को मिल सकता है। तो गाइज, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली, तो वीडियो को फटाफट से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइज, ए इलेक्ट्रिक स्कूटर डिजाइन वाइज कुछ इस तरह से दिखता है। फ्रंट लुक की बात करें तो फ्रंट से इसकी लुक निकल कर कुछ इस तरह से आता है, जहां पे आपको टॉप में एलईडी हेडलैम्प देखने को मिल जाता है, साइड साइड में टर्न इंडिकेटर दिया गया है और टेल लाइट भी आपको एलईडी में ही देखने को मिल जाता है। गाइज, इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है। फ्रंट रेयर दोनों साइड में टोकरी दिया गया है और रेयर का जो सीट है वो फोल्डेबल है, जहाँ पे आपको अच्छा खासा बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। जब चाहे तब इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को आप कार्गो में इस्तेमाल कर सकते हैं और जब चाहे तब आप इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को पैसेंजर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खास करके ये इलेक्ट्रिक स्कूटर लेडीज़ के लिए काफ़ी बेहतर होने वाला है, क्योंकि बैलेंस करने की कोई झंझट ही नहीं है इसमें, और हैंडीकैप के लिए तो बेहतर है ही है। बात करें इसके सस्पेंशन और व्हील की, तो इसके फ्रंट में एज यूजुअल टेलीस्कोपी सस्पेंशन दिया गया है, रेयर में रिगिड एक्सल विथ लीप स्प्रिंग शॉक ऑब्जॉर्बर दिया गया है। टायर की बात करें गाइस, तो इसमें तीनों के तीनों 10 इंचेज का ट्यूबलेस टायर दिया गया है अलॉय व्हील के साथ, और इसके फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगा। यहीं पर अगर बात करें इसके बैटरी कैपेसिटी और मोटर पावर की, तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको अलग अलग कैपेसिटी के बैटरी पैक देखने को मिल जाता है। तो अगर आप चाहे तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को 60 से लेकर 80 किलोमीटर रेंज के साथ भी परचेज कर सकते हैं, जिसकी प्राइस आपको देखने को मिल जाएगा 1,15,000 रुपये के आसपास। और अगर आप चाहे तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को 150 से लेकर 200 किलोमीटर रेंज के साथ भी परचेज कर सकते हैं, जिसकी प्राइस इसके अपेक्षा आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकता है। बाकी मोटर आपको दोनों में सेम ही देखने को मिल जाता है गाइज, दोनों में ही मिड ड्राइव मोटर दिया गया है, जो आपको टॉप स्पीड प्रोवाइड करता है 25 से लेकर 30 किलोमीटर पर आवर की। और गाइज, अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो आप इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपये पे करके भी आप अपने घर पर ले जा सकते हैं। अब अगर बात करें इसके फीचर की, तो इसमें आपको कुछ इस प्रकार का डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, राइडिंग मोड, रिवर्स मोड, बैटरी पावर इंडिकेटर, एंटी थेफ्ट अलार्म जैसे फीचर आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को ढलान पर पार्क करते हैं या फिर किसी ऐसे जगह पर पार्क करते हैं जहाँ पर इसको स्टेबल होने में प्रॉब्लम हो रही हो, तो ये आपको इंडिकेट भी करेगा। तो गाइज, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को परचेज करना चाहते हैं या फिर इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर प्रोवाइड कर दिया गया है, आप व्हाट्सएप के थ्रू इसके बारे में और ज़्यादा जान सकते हैं। बाकी गाइज, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता है।